Hello friends, this is P.K. Sharma and you are watching me on YouTube channel Ions Learner Academy. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DGET ने 12 मई को एक नोटिस जारी किया है जिसके अंतर्गत जो है आपका एग्जाम जो है 16 मई से 31 मई तक होगा। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप लोग उस वीडियो को आई कार्ड में भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, DGET ने 13 मई को एक और नोटिस जारी की है, आप लोग DGET की वेबसाइट पर जाकर देख चेक कर सकते हैं कि जो आपकी जो ITI की परीक्षा होगी अब ऑनलाइन ही होगी। ये कंफर्म हो गया है कि ऑनलाइन हो गई, उसके रिगार्डिंग DGET ने नोटिस भी जारी कर दी है कि ITI की जो CVT है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा वो जो होगा CVT ही होगा आपका। 13 मई की ये नोटिस है फ्रेंड्स, मैं उसी को आपको बताऊंगा, तो देख लीजिए नोटिस क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट इंड टू इंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस स्कीम ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपका DGET के अंदर जो एग्जाम होते हैं अंडर में, वो सारे जो होंगे CVT होंगे। उसका देखिए फ्रेंड्स, ये डेट भी दिया गया है, ये कब ये जारी किया गया है ये देख लीजिए आप लोग। ये डेट है और ये वेबसाइट है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे जो है ये डेट लिखा है, ये जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये डेट लिखी गई है और ये इस DGET की वेबसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये DGET की क्या है वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ पे जाकर इस नोटिस को भी चेक कर सकते हैं। आगे मैं दिखा सकता हूँ, 13 मई 2020 की नोटिस है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए क्या दिया गया है। तो इसके अंदर वही सारा कुछ प्रोसीजर जो है बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये डॉक्यूमेंट ID है फ्रेंड्स और डेट ऑफ रिलीज है। ये टेंडर दिया गया है, टेंडर विल बी अवार्डेड टू बिडर विथ हाईएस्ट स्कोर CVT, इसके लिए दिया गया है, देख लीजिए आप लोग, देखते रहिए। अब देखिए जो ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा इसके लिए वेबसाइट दी गई है कि कहाँ से फॉर्म वगैरह डाउनलोड होगा उसके लिए है, हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम होगा वो 3 स्टेज में होगा, प्री एग्जामिनेशन फेज, एग्जामिनेशन फेज और पोस्ट एग्जामिनेशन फेज। तो ये DGET के लिए है, आप लोगों का बस एग्जामिनेशन फेज में आप लोग इन्वॉल्व होंगे। प्री एग्जामिनेशन में DGET इन्वॉल्व होगा, पोस्ट एग्जामिनेशन में भी आपका DGET ही इन्वॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, और देखिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए सेंटर में, जो CPU रहेंगे उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, जो CPU होगा एक हर्ट्ज का होना चाहिए या फिर उससे अबव का होना चाहिए। रैम जो होगी 2 GB की और स्क्रीन जो रेजुलेशन जो ये होगा फ्रेंड्स विंडोज 7 या उससे अबव वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, और विंडोज जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 7.0 या अबव का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ दिया है, तो हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ये जो है एग्ज़ाम पेपर से पहले आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, उसके लिए दिया गया है ये मॉक टेस्ट के लिए। ये पूरी पूरी नोटिस है, आप लोग जाकर जो DGET की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा एक सेंटर पे, एक ही होगा, एक IT मैनेजर होगा एक सेंटर पे, ये एक होगा या फिर 100 कैंडिडेट के लिए एक होगा, इन्विजिलेटर एक होगा 50 कैंडिडेट के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ जो है एक होगा 50 कैंडिडेट के लिए, सिक्योरिटी गार्ड जो होगा एक या मोर, ये सेंटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी जो होगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटर बेस्ड विथ क्वेश्चन जो होगा आपका इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा कुछ बस यही बताने के लिए है कि
आपका जो एग्ज़ाम होगा क्या होगा फ्रेंड्स, सीबीटी होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।